नमस्कार, मैं प्रिया। आज 11 मई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में तय दाम पर मिलेगी रेमडेसिवियर इंजेक्शन। वाहनों के कागजात लैप्स होने के बावजूद नहीं लगेगी पेनाल्टी। बिहार में नहीं होगी ऑक्सीजन की कोई कमी। पटना हाईकोर्ट में इलाज की व्यवस्था और वैक्सीनेशन को लेकर हुई सुनवाई। लालू प्रसाद यादव ने की पूरे देश में मुफ्त टीकाकरण की मांग। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में अब तय दाम पर मिलेगी रेमडेसिविर इंजेक्शन। बिहार में रेमडेसिविर इंजेक्शन अब एक दाम पर मिलने वाले हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच इस इंजेक्शन की कीमत अलग अलग बताई जा रही है। हालांकि अब इस इंजेक्शन को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तय दाम जारी कर दिया है। बिहार में अभी अलग अलग 7 कंपनियों में बनी रेमडेसिविर इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है। इन दवाओं की कीमत 1300 रुपए से लेकर के 2800 रुपए तक है। ऐसे मामले सामने आए हैं कि कुछ दलाल किस्म के लोग इस इंजेक्शन के लिए काफी ज्यादा पैसों की वसूली कर रहे हैं, जिसके तहत 20 से 40 हजार रुपए तक वसूली की जा रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को शिकायत करने के लिए 1070 राज्य औषधि नियंत्रक 9546702445 या फिर 9470005863 EOU को कॉल करने के लिए 0612-2215142-8544-2842 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही इस इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए सिविल सर्जन से संपर्क करने की सलाह दी गई है। बिहार में कोविड-19 के मिले 10,000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 10,174 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 105,103 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 247, अरवल में 121, औरंगाबाद में 226, बांका में 82, बेगूसराय में 435, भागलपुर में 205, भोजपुर में 71, बक्सर में 81, दरभंगा में 154, ईस्ट चंपारण में 478, गया में 236, गोपालगंज में 541, जम्मू में 162, जहानाबाद में 108, कैमूर में 19, कटिहार में 706, खगड़िया में 286, किशनगंज में 83, लखीसराय में 95, मधेपुरा में 178, मधुबनी में 175, मुंगेर में 304, मुजफ्फरपुर में 293, नालंदा में 95, नवादा में 75, पटना में 1745, पूर्णिया में 313, रोहतास में 141, सहरसा में 283, समस्तीपुर में 463, सारण में 333, शेखपुरा में 96, शिवहर में 62, सीतामढ़ी में 77, सिवान में 242, सुपौल में 221, वैशाली में 417, वेस्ट चंपारण में 289 मामले सामने आए। इसके साथ ही 36 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 15,800 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4,93,189 पर पहुंच गई है। पंचायती राज विभाग ने सभी डीएम को भेजा पत्र। कोविड-19 के माहौल में सभी वार्ड सदस्यों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को निचले स्तर तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति काम करेगी। वार्ड में किसी बाहरी व्यक्ति की आने की सूचना तत्काल प्रखंड विकास पदाधिकारी या चिकित्सा पदाधिकारी को देंगे। प्रभावित क्षेत्र में घर घर जाकर संपर्कों की खोज करने में स्थानीय प्रशासन की सहायता करेंगे। वार्ड में 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग, गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चे जैसे उच्च जोखिम वर्ग वाले सदस्यों पर विशेष ध्यान देंगे। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग ने कहा है कि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु जारी किए गए विभिन्न गाइडलाइन का अगर उल्लंघन होता है तो इसकी सूचना स्थानीय थाना को देंगे। प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के वेतन मद की राशि बिहार सरकार ने की जारी। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए वेतन के लिए राशि जारी कर दी गई है, जिसके तहत प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के वेतन एवं बकाए वेतन भुगतान को लेकर 29,11,01,000 रुपए सहायक अनुदान की राशि व्यय की स्वीकृति दे दी गई है। वहीं 9,60,63,300 रुपए विमुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। इस राशि से वित्तीय वर्ष 2021-22 के वेतन एवं बकाए वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि इस राशि का वितरण अन्य किसी मद में नहीं किया जाएगा। वाहनों के कागजात लैप्स होने के बावजूद 30 जून तक नहीं लगेगी पेनाल्टी। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। वहीं इस दौरान वाहनों के कागजात भी काफी ज्यादा लैप्स होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि ऐसे में आम नागरिकों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने 30 जून तक किसी भी तरीके की पेनाल्टी को लेने से साफ इनकार कर दिया है। खबरों की माने तो लॉकडाउन की बंदी से लैप्स होने वाले कागजातों में डीएल और आरसी रिन्यूअल के मामले सबसे अधिक है। बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जिन्होंने लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने का मन बनाया था और उनके लिए शुल्क के साथ वो आवेदन भी जमा कर चुके हैं। ऐसे लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि जानकारों की माने तो कोविड-19 के मामलों में अगर बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो पेनाल्टी में छूट देने का समय और ज्यादा बढ़ सकता है।
कोविड-19 के कारण बिहार में 80% तक बढ़ी दवाइयों की डिमांड। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण बिहार में दवाइयों की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आलम यह है कि डॉक्टरों की लिखी दवाइयां भी अब बाजार में नहीं मिल रही है। पटना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव राजेश आर्य बताते हैं कि इन दिनों एजिथ्रोमाइसिन, पैरासिटामोल, विटामिन सी, जिंक और एंटीबायोटिक टैबलेट की बहुत अधिक डिमांड होने की वजह से समान नाम की दवा खोजने में लोगों को परेशानी होती है। मगर यह दवा बनाने वाली 100 से अधिक कंपनियां हैं जो अलग अलग नाम से समान कॉम्पोनेंट की दवा बनाती है, जिन्हें डॉक्टर की सलाह लेकर खाया जा सकता है। शाहनवाज हुसैन की अपील ला रही है रंग। कोविड-19 के माहौल में लोग जितनी ज्यादा हो सके मदद करने के लिए सामने आए हैं। इसी क्रम में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी हाल ही में कैट से फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर देने की मांग की थी, जिसके तहत कैट ने भी उद्योग मंत्री की इस नसीहत पर तुरंत ही संज्ञान लिया, जिसके बाद से मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए जा रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बिहार अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि 7 मई को उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के साथ कैट का वर्चुअल संवाद हुआ। इसमें मंत्री की तरफ से अपील की गई थी कि कोरोना पीड़ितों की मदद में व्यवसायी भी आगे आए। इसके बाद तत्काल कैट से जुड़े के बीच भी एक वर्चुअल संवाद हुआ। इसमें कोरोना पीड़ितों के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर वितरण करने पर सहमति बनी। अगर आप भी 7033586581 मोबाइल नंबर पर संपर्क करके ऑक्सीजन लेना चाहते हैं तो सिलेंडर की मांग कर सकते हैं। पटना हाई कोर्ट में इलाज की व्यवस्था और वैक्सीनेशन को लेकर हुई सुनवाई। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पटना हाई कोर्ट भी इस पूरे मामले का संज्ञान समय समय पर ले रही है। इसी क्रम में बीते दिन पटना हाई कोर्ट में कोविड-19 के इलाज से लेकर वैक्सीनेशन से संबंधित सभी जानकारी को लेकर सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को बताने को कहा कि बिहार के लिए कितना वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को युवा आबादी को देखते हुए केंद्र सरकार से अधिक वैक्सीन मांगने की भी नसीहत दी। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के हलफनामे पर असंतोष जताया है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन बेड और दवाओं की उपलब्धता का विस्तृत ब्यौरा देने को कहा। साथ ही राज्य सरकार को यह बताने को कहा कि डॉक्टर, नर्सों और मेडिकल स्टाफ की बहाली के लिए क्या कार्रवाई हो रही है, जिसके बाद अगली सुनवाई 12 मई को होगी। ओलावृष्टि से आम और लीची जैसी फसलों को हुआ भारी नुकसान। कोविड-19 के माहौल में मौसम की मार भी किसानों को झेलनी पड़ रही है। पिछले कई दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों में हुई ओलावृष्टि के कारण आम और लीची की फसलों को भारी नुकसान की खबरें सामने आई है। जानकारी के अनुसार आंधी बारिश के कारण राज्य के कई जगह पर पेड़ गिर गए हैं। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि सोमवार की सुबह से चली आंधी की रफ्तार करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उन्होंने ये भी कहा है कि आम की कई किस्में तैयार हो चुकी हैं। ऐसे में तेज हवा और आंधी से तैयार फलों को काफी नुकसान पहुंचा है और काफी तादाद में आम के फल गिर गए हैं। इसमें आम उत्पादक किसानों को काफी क्षति पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ यह बारिश हरी सब्जियों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि किसानों का कहना है कि यह बारिश होने से जहां लौकी, भिंडी, खीरा, ककड़ी, बैंगन, नेनुआ, झिंगनी, करेला, बोरो सहित अन्य फसलों को काफी फायदा हुआ है। बिहार में ठंड का गिरने से कई लोगों की गई जान। बिहार में कोविड-19 से जहां एक तरफ लोगों की परेशानी बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ ठंड का गिरने से 6 लोगों की जान चली गई है। खबरों की माने तो जिन लोगों की जान गई उनमें से पटना के 2, दरभंगा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और सुपौल में 1-1 लोग शामिल है। मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले ही हाई अलर्ट जारी किया था। इतना ही नहीं, मौसम के कारण कई घरों के छप्पर एस्बेस्टस टीन शेड आदि उड़ गए हैं। इसमें रतनपुर, ब्रह्मपुर, कछुआ आदि गांव के नाम शामिल है। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि जगह जगह बड़े बड़े पेड़ और उनकी झाड़ियां गिर गई। इसके आवागमन भी बाधित हो गई है। इस तूफान ने आम की फसल को भी व्यापक नुकसान पहुंचाया है। बिहार में नहीं होगी ऑक्सीजन की कोई कमी। बिहार में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने वाली है। इस बाबत पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज से अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज से अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने से कोरोना मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होने के साथ साथ भविष्य में भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना काल में मानव बल की भी उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में गंभीर है। अब एक्सरे से चल जाएगा कोविड-19 बीमारी का पता। हाल ही में DRDO ने एक ऐसा AI टूल डेवलप किया है जिससे कि एक्सरे के माध्यम से ही कोविड-19 बीमारी के बारे में पता चल जाएगा। डेवलपर्स के अनुसार इस टूल का नाम ATMAN AI रखा गया है, जिसका इस्तेमाल टेस्ट एक्सरे स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है और इसमें 96.73% का एक्यूरेसी रेट मिला है। CAIR DRDO के डायरेक्टर डॉक्टर UK सिंह ने कहा है कि डायग्नोस्टिक टूल को डेवलप करना DRDO के प्रयासों का हिस्सा था, जिसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों और फ्रंटलाइन वर्कर्स की मदद करना, जिसमें वो जल्द से जल्द कोविड-19 मरीज के बारे में जान सके और उनका इलाज कर सके। इस टूल पर काम करने वाली टीम ने कहा है कि एक्सरे का इस्तेमाल करके कोविड-19 के बारे में और प्रभावी रूप से पता लगाया जा सकेगा और इस पर खर्चा भी कमाएगा। डेवलपर्स की माने तो इस टूल को डेवलप करने के लिए RT-PCR पॉजिटिव पेशेंट्स के चेस्ट एक्सरे का इस्तेमाल किया गया है। मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर के सीआरपीएफ डीआईजी की बड़ी मुश्किलें। मुजफ्फरपुर के सीआरपीएफ डीआईजी सुरेंद्र प्रसाद महिला डॉक्टर से बदसलूकी के आरोप में बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उन्हें मुजफ्फरपुर से हटाकर पटना सेक्टर कार्यालय से अटैच किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, डीआईजी सुरेंद्र प्रसाद पर मुजफ्फरपुर जीसी स्थित कंपोजिट अस्पताल की महिला चिकित्सक के साथ मोबाइल पर बदतमीजी और उसके क्वार्टर में देर रात घुसने का आरोप लगा है। वहीं इस बाबत सीआरपीएफ आईजी हेमंत प्रियदर्शी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि रेंज डीआईजी के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। इसके आलोक में तत्काल उन्हें पटना सेक्टर से अटैच कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। बिहार के पूर्व डीजीपी टीपी सिन्हा का हुआ निधन। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी टीपी सिन्हा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनकी उपलब्धियों को याद किया है। आपको बता दें, बिहार के पूर्व डीजीपी सेना भारतीय पुलिस सेवा 1966 बैच के अधिकारी थे। पुलिस मुख्यालय ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है। पुलिस हेडक्वार्टर ने बताया कि टीपी सिन्हा बिहार के कई जिलों में पुलिस अधीक्षक के पद पर भी रह चुके थे। इतना ही नहीं, कई रेलवे के अपर पुलिस महानिदेशक के पद स्थापना के दौरान संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने में सफल रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने की पूरे देश में मुफ्त टीकाकरण की मांग। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ गए हैं, जिसके बाद से ही लगातार वो राजनीति में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को उन्होंने वर्चुअल बैठक बुलाई थी। वहीं अब जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीते दिन एक खास अपील की है, जिसके तहत राजद सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि 1996-97 में जब हम समाजवादियों के देश में जनता दल की सरकार थी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब हमने पोलियो टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त आज जैसी सुविधा और जागरूकता भी नहीं थी। फिर भी 7 दिसंबर 1996 को 11.74 करोड़ शिशु और 18 जनवरी 1997 को 12.73 करोड़ शिशुओं को पोलियो का टीका दिया गया था। वो भारत का विश्व रिकॉर्ड था। कोविड-19 हॉस्पिटल में नोट गिनने की मशीन की तस्वीर पप्पू यादव ने की शेयर। कोविड-19 के इस माहौल में जहां हर कोई मुफ्त में इलाज करवाने पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जाप नेता पप्पू यादव ने नोट गिनने की मशीन की तस्वीर साझा की है। इतना ही नहीं, इस मशीन को लेकर उन्होंने सरकार पर भी सीधे तौर पर निशाना साधा है। इसको लेकर पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा कि पटना के कई निजी अस्पतालों में नोट गिनने की मशीन लग गई है। मरीज और उनके परिजनों को दोनों हाथ से लूट रहे हैं। उन्होंने आगे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां नगद में ही लेन देन हो रहा है, डिजिटल लेन देन का नामो निशान नहीं है। नोटबंदी से यहां नोट बंद नहीं हुआ है और बढ़ गया है। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार दिखे गंभीर। बीते दिन कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अधिकारियों ने कहा कि आप लोग यह सुनिश्चित करें कि कोरोना संक्रमितों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में 18 साल से अधिक और 45 साल से कम उम्र के लोगों का भी टीकाकरण शुरू हो गया है। सभी लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति सजग और सचेत रहना है। उन्होंने कहा कि लोग मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें और साथ में उन्होंने अफसरों से कहा बेहतर काम करें, राशि की कोई कमी नहीं होगी। टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और मेडिसिन में मदद को आगे आ सकती है निजी कंपनियां। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बीते दिन टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और मेडिसिन में मदद के लिए निजी कंपनियों को आगे आने की नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि देश कोरोना के विरुद्ध जंग लड़ रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में निजी मेडिकल संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों एवं कंपनियों का सहयोग मिल रहा है। उसकी गति और तेज करनी है। बिहार सहित अन्य राज्यों अधिक प्रभावित है, जिसमें दूसरे प्रांतों में स्थित निजी मेडिकल संस्थानों के विशेषज्ञ वेंटिलेटर इंस्टॉलमेंट, आईसीयू बेड और अन्य चिकित्सकीय उपकरणों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। इस गांव के लोगों ने बाहरी लोगों की एंट्री पर लगाई रोक। कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच कोरोना से बचने की अनोखी पहल देखी गई है, जिसके तहत बिहार के गया जिले के बोधगया प्रखंड के बकरौर पंचायत के बतसपुर गांव के लोगों ने बाहरी गांव के प्रवेश द्वार पर नोटिस चिपका रखा है। नोटिस में साफ कहा गया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के गांव में आने पर पूरी तरह से रोक है। द्वार के आगे गांव में कई घरों के बाहर भी लोगों ने नोटिस चिपका रखा है। गांव में बिना मास्क के आने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही शादियों में भी बिना मास्क के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कहा है कई बार शादी टाली जा चुकी है, ऐसे में अब शादी टालना उचित नहीं है। शादी के लिए बोधगया थाने से परमिशन ली गई है। शादी में बिना मास्क पहने किसी को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। IGIMS के डॉक्टरों ने 90% से ज्यादा खराब हो चुके फेफड़े वाले मरीज को किया ठीक। कहते हैं डॉक्टर भगवान का स्वरूप होते हैं, इसी का प्रमाण दिया है IGIMS के डॉक्टरों ने। जब डॉक्टरों ने अपनी कड़ी मेहनत से 90% से ज्यादा खराब हो चुके फेफड़े वाले मरीज की जान बचा ली। दरअसल पूरा मामला है पटना के अगमकुआ के निवासी 17 साल के यशराज को 26 अप्रैल को कोविड संक्रमित होने और सांस लेने में दिक्कत के बाद IGIMS में एडमिट किया गया था। सांस लेने में दिक्कत को देखते हुए मरीज को सीधे ICU में एडमिट किया गया। मरीज का सैचुरेशन जब 98% हुआ तब फेफड़े HRCT 28 अप्रैल को किया गया। हालांकि डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं हारते हुए इलाज जारी रखा, जिसके बाद 15 दिन के लगातार प्रयास के बाद मरीज को बचा लिया गया।
सोनू सूद ने साल 2035 तक लक्ष्य पूरा होने की कही बात। देश में इस वक्त कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में अभिनेता सोनू सूद लोगों की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस बीच सोनू सूद का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सोनू सूद ने लिखा है कि कल मुझे लगभग 41,660 अपील मिले। हम अपनी तरफ से सभी तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं सभी तक पहुंचने की कोशिश करूं तो ऐसा करने में मुझे लगभग 14 साल लग जाएंगे, यानी कि साल 2035 तक यह कार्य पूरा होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1951 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन आज के दिन किया। साल 2000 में जनसंख्या घड़ी के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1 अरब आज के दिन पहुंची। 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति आज के दिन चुना गया। 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण करने का ऐलान आज के दिन किया। 1950 में भारतीय अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का जन्म आज के दिन हुआ। आज के दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीयूष चावला के पिता ने दुनिया को कहा अलविदा। भारतीय टीम के शानदार खिलाड़ी पीयूष चावला के पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसकी जानकारी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसके बाद पीयूष चावला ने भी इंस्टाग्राम के माध्यम से अपना दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि बेहद दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि मेरे पिता प्रमोद कुमार चावला जी इस दुनिया में नहीं रहे। वो कोविड-19 से संक्रमित थे और इस वायरस की जटिलताओं के सामने जिंदगी की जंग हार गए। इस मुश्किल समय में आपकी प्रार्थना के लिए आभार, उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने साथ ही कैप्शन में लिखा, उनके बिना जिंदगी पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहेगी। आज मेरी ताकत का एक स्तंभ टूट गया। लालू यादव पर सुशील मोदी ने किया पलटवार। बीते दिन राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए एक लिखा कि केंद्र और राज्य सरकार युद्ध स्तर पर मुफ्त टीकाकरण का अभियान चला रही है। सब मिलकर आपदा का सामना कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष केवल मनोबल गिराने में लगा है। भारत सरकार ने 114 दिन में 17 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाकर सबसे तेज टीकाकरण का कीर्तिमान बनाया, जो कि कई देश में सबसे तेज है। इस पर संतुष्ट होने के बजाय लालू प्रसाद खुद अपनी पीठ थपथपाने के लिए 1996 से 1997 की जनता दल सरकार के सामने विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से 12 करोड़ बच्चों के पोलियो टीकाकरण के आंकड़े पेश कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 10 मई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,910 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,910 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 71,500 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 92.56 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 85.32 रुपए प्रति लीटर था। राबड़ी देवी पर आधारित वेब सीरीज इस तारीख को होगी रिलीज। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर आधारित वेब सीरीज जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाली है। इस राजनीति के दांव को अब वेब सीरीज महारानी के रूप में पेश किया जा रहा है। रविवार को इस वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया गया, साथ ही वेब सीरीज के वर्ल्ड प्रीमियर की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया। सीरीज महारानी का वर्ल्ड प्रीमियर 28 मई को सोनी लिव पर किया गया। लीड एक्ट्रेस के रूप में हुमा कुरैशी को चुना गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पवन कुमार, आंचल कुमारी, प्रहलाद कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मोनू सिंह, विशाल, सुमन, सत्यम सिंह, विकी कुमार, आलोक कुमार, कुणाल सिंह, हार्दिक पटेल, शुभम कुमार, अमन कुमार, ऋषभ कुमार, दयानंद सिंह, विकास यादव, अभय आनंद, समय आनंद कुमार, रवि रंजन। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार लालू प्रसाद यादव की तरफ से की गई पूरे देश में मुफ्त टीकाकरण की मांग सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से